सो हेलो एंड वेलकम गाइस। सो ये लास्ट पार्ट है यूनिट नंबर 2 का। इसके पहले हमने बात कर ली है आपका डिमांड एनालिसिस एंड इट्स मेथड्स के बारे में, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। नाम से क्या लग रहा है आपको, कॉस्ट मतलब पैसा रुपया, बेनिफिट मतलब फ़ायदा, एनालिसिस मतलब कि जितना पैसा आप लगा रहे हो क्या उतना फ़ायदा आपको मिल रहा है। अ टेक्निक फॉर असेसिंग द मॉनिटरी सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, मतलब कि जिस किसी भी प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाया वो कितना सोशल कॉस्ट मतलब प्रोवाइड कर रहा है, लोगों को कितनी हेल्प प्रोवाइड कर रहा है उस पैसे में, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे समझो तो अगर आप इस पेन को खरीद रहे हो तो आपने इसमें इन्वेस्ट किया, मान लो 15 रुपये की पेन है। अब आपने कहा कि ये जो बेनिफिट हमें प्रोवाइड करेगी, मतलब जब मैं एग्ज़ाम में लिखूं तो भरा भर लिखे, थोड़ा स्पीड बढ़ा के लिखे, रुके ना कहीं पे, तो अगर ये बेनिफिट ये दे पाती है तो 15 रुपये वर्थ है। अब इन केस अगर ये पेन नहीं चलती, बीच में रुक जाती है, इसका निब गिर जाता है या कैप का ये पोर्शन टूट जाए तो थोड़ा सा चुभता है, समझे ना, ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो जनरली कई बार क्या होता है कि ये पेन जो है एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरीके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी एंडिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ लाइफ टाइम चलते हैं, कुछ एंडिंग प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। अब स्टेजेस ऑफ अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो उसके बारे में डिफाइन ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई गोल्स, मतलब सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करना है कि क्या है। उसके बाद सेकंड होगा लिस्ट अल्टरनेटिव्स, आइडेंटिफाई ऑप्शंस अवेलेबल, कि क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है, कि उसके अल्टरनेटिव, जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू रोड बिटवीन टू टाउन्स, एक नई रोड बनानी है दो टाउन्स के बीच में। तो पहले हमने ऑब्जेक्टिव किया, क्या यहाँ से हैवी व्हीकल्स पास होते हैं, नहीं होते, तो भाई इतनी भारी भरकम रोड बनाने की क्या ज़रूरत है, चलो हल्का फुल्का थोड़ा मतलब नॉर्मल मैटर यूज कर सकते हैं, ओके। तो हमने ऑब्जेक्टिव पहले स्पेसिफाई किया, उसके बाद लिस्ट अल्टरनेटिव्स, भैया जो रोड हम बना रहे हैं क्या इसकी एक्चुअल में ज़रूरत है या हम हमारे फैशन में बनाए दे रहे हैं, तो ये पॉइंट भी काम में आ जाता है। उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि भाई क्या यहाँ पे पत्थर वाली वो जो खड़िंजा वाली रोड होती है वो अच्छी होगी या फिर वो जो ब्लैक कलर वाली डाम्बर वाली होती है वो अच्छी होगी, तो ये अल्टरनेटिव्स हो गए, ठीक है। आइडेंटिफाई कॉस्ट एंड बेनिफिट, अब भैया वो जो पत्थर वाली होती है वो थोड़ा सस्ती आती है और वो जो डामर वाली होती है थोड़ा महंगी आती है, तो देखो कौन सी मतलब है ना, कौन सी ज़्यादा दिन चलेगी, किसकी ज़रूरत है, ये चीज़ें जानने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, मोनेटाइज कॉस्ट एंड बेनिफिट, तब हम पैसे रुपए को एक्चुअल में निकालते हैं, अच्छा इतना इतना लगेगा। फिर डिस्काउंट फ्यूचर वैल्यू, डिस्काउंट फ्यूचर वैल्यूज़ का मतलब हो गया कि फ्यूचर में जैसे जो जैसे इस पेन की कीमत आज मान लो 15 रुपये है, तो कल मतलब एक साल बाद क्या इसी पेन की वैल्यू कितनी होगी, इस चीज़ को निकालना। जैसे कि आज अगर ये 15 रुपये में मिली, एक साल बाद भी अगर मान लो ये 16 रुपये में मिली हमें, तो इसकी फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू जो है आज वो गलत है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए 7 रुपये 8 रुपये, क्योंकि फ्यूचर में भी ये 1 ही रुपये बढ़ी है, मतलब इन्फ्लेशन होने के बाद भी 1 रुपये बढ़ी है, मतलब ये डिस्काउंट फ्यूचर वैल्यू मतलब होता है, ठीक है। मतलब जो रोड हम लगा रहे हैं उसकी कीमत जो आज लग रही है, जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसकी कीमत जो आज है वो 4-5 साल बाद भी कितनी रहेगी, दिस इज द पॉइंट। कैलकुलेट NPV, NPV होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू, यही सेम चीज़ डिस्काउंट फ्यूचर वैल्यूज, ये आपका एक टाइप का इंटरेस्ट रेट हो जाता है, समझ लो रेट हो जाता है, ये आपका NPV होता है कि आप निकालो कि आज उसकी कीमत क्या है जो हम कल देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे इसका मैं एग्जांपल दूंगा, NPV का आगे एग्जांपल है, मज़ा आ जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है। परफॉर्म सेंसिटिविटी एनालिसिस, तो सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है, फिर मेक डिसीजन, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ लेना, इनको अच्छे से स्पेसिफाई कर देना, वहाँ एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो ये दोनों क्वेश्चन एक साथ आएंगे और 10 नंबर में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। फोर्थ पॉइंट है इवेल्युएशन मेथड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो कैसे हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को निकालते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस, 4 मेथड होते हैं जिनसे हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को निकालते हैं, मैं आपको थोड़ा पास में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इन चारों मेथड को हम लोग देखो, F=P/1+R^n, यहाँ पे 1 रहता है, P आपका प्रेजेंट वैल्यू है, F आपका फ्यूचर वैल्यू है, R आपका होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, N होता है कितने सालों के लिए, ठीक है। तो P ये वही सेम फॉर्मूले को उल्टा नीचे कर दिए, ठीक है।
फिर नेट बेनिफिट एनालिसिस इज इक्वल टू टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट, ये भी एक फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इन सब चीज़ों को देख लो सी मेथड, बाकी आगे मैं आपको एनपीवी वगैरह अच्छे समझाऊंगा। ब्रेक इवन एनालिसिस फिक्स्ड अपॉन सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बीईवी। तो चार मेथड होते हैं जिससे हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा, कोई डाउट है तो भैया कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, आप लोग वहां से बता सकते हो। देखो डिस्काउंटेड कैश फ्लो, तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होता है, पहली चीज इसको समझने के लिए फ्री कैश फ्लो समझ लो और इनिशियल कैश फ्लो समझ लो। फ्री कैश फ्लो वो होता है, वो पैसा होता है जब आप अपनी कंपनी का सारा ऑपरेशन करने के बाद आपके पास जो पैसा बचे आप उससे अय्याशी करो, आप उससे घूमने जाओ, बाली यात्रा करो, कुछ भी करो एक्स वाई जी, ठीक है। तो वो पैसा आपका फ्री कैश फ्लो होता है, मतलब वो ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। इनिशियल कैश फ्लो क्या होता है, वो पैसा जो आपको इनिशियली दिया जाता है कि आप अपना बिजनेस धंधा या फिर कुछ भी जो ऑपरेशन है उनमें लगा सको। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होता है, इट रिफर्स टू अ वैल्यूएशन मेथड दैट एस्टिमेट्स द वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट यूजिंग इट्स एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो। तो ये सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं आज आपको 100 रुपये दूँ, ठीक है, आज 100 रुपये दूँ, या फिर मैं आपसे कहूँ कि आज 100 रुपये ले लो या फिर एक साल बाद 104 रुपये ले लो, तो आप क्या लोगे रुपये? अगर आपका आंसर हाँ है तो भाई यहाँ पे सही नहीं है, मैं बताऊँ कैसे। 100 रुपये बढ़ा कितना, 4% ये इंक्रीज हुआ है, 4%, ठीक है। अगर आप FD भी करोगे तो ये 107 हो जाएगा, 7 रुपये मिलती है, 7% का रेट FD प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इन केस अगर आप म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट कहीं इन्वेस्ट करते हो तो कम से कम 12% का रिटर्न मिलेगा, मतलब 112 रुपये हो सकता है, कहीं कहीं 25 मिल गया तो मतलब 12% तो मिलेगा ही एटलीस्ट, तो 125 रुपये भी हो सकता है। तो ये चीज़ें समझो कि आज अगर मैं आपको 100 रुपये दूंगा या एक साल बाद 104 रुपये दूंगा तो आपको लेना चाहिए 100 रुपये आज, क्योंकि आपके पास अल्टरनेटिव हैं, आप जानते हो। तो मतलब ये 104 रुपये वैल्यू सही नहीं हुई है ना, मैं बोलूँ एक साल बाद 104 रुपये ले लेना, तुम कहोगे नहीं चाहिए आज दे दो क्योंकि मैं उसको आगे चल के 125 बना लूँगा, समझे, एक साल बाद। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो आपका कहलाता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ठीक है। कि जो आज हमारे पास पैसा है, जो आज मिल रहा है, क्या उसकी राइट वैल्यू जैसे स्टॉक में करते हो, शेयर मार्केट में करते हो, उसी तरीके से। अब देखो जैसे मैंने आज तुमको 10 रुपये दिया और एक साल बाद मान लो 10 रुपये दिया, मैंने कहा कि आज ले लो 10 रुपये या एक साल बाद 10 रुपये ले लो, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब आप बोलोगे नहीं बराबर है, लॉस तो हुआ नहीं मेरा। नहीं भैया, आपका लॉस हुआ है, 10 रुपये जो एक साल बाद जो 10 रुपये है उसकी वैल्यू आज 10 रुपये किसी भी हाल में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आज वो कम होगी तभी आगे, अब इन्फ्लेशन भी तो आएगा एक साल में, ये भी सोचो, इन्फ्लेशन आएगा तो 10 रुपये रह कहाँ जाएगा, समझे। 10 रुपये वाली फ्रूटी हो सकता है 12 रुपये मिलने लगे, तो इन्फ्लेशन में बीट कर गए, अब आप नहीं पाओगे, मतलब वो जो 10 रुपये की फ्रूटी अब आप नहीं पी पाओगे, आप 12 की हो गई। अच्छा आज 9 रुपये है क्या जो एक साल बाद 10 रुपये मिले? नहीं, ये भी नहीं, ये भी लॉस में है क्योंकि इतना तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। अच्छा ये करीब करीब 10-11% होता है आई थिंक, 8 रुपये जो है अगर आज दिया जाए आपको और एक साल बाद 10 रुपये, तो ये ऑफ़र बहुत बढ़िया ऑफ़र होता है, ठीक है, ये आपके लिए बढ़िया ऑफ़र कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि कितने परसेंट का रिटर्न है आप खुद देख करके बताओ, 4 × 8 5 20, मतलब एक हिसाब से 20% का आपको रिटर्न मिल रहा है, 20% एक बहुत अच्छा रिटर्न होता है। 8 रुपये 10 रुपये जो एक साल के बाद कीमत है वो उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू 8 रुपये सही कीमत है, ठीक है। आई होप से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट टुडे बेस्ड ऑन प्रोजेक्शंस ऑफ हाउ मच मनी दैट इन्वेस्टमेंट्स विल जनरेट इन फ्यूचर। तो मतलब किसी भी चीज़ की आज की कीमत निर्धारित करना, जैसे ये पेन 100 रुपये की मिलेगी एक साल बाद, आज मैं आपको ये पेन 10 रुपये में दे दूँ, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है ये सही इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल सही है। अच्छा ये पेन एक साल बाद 8 रुपये की मिलेगी और मैं आज आपको 10 रुपये में दे रहा हूँ, क्या ये सही है? नहीं, ये अभी गलत हो गई क्योंकि नुकसान हो जा रहा हमारा। अच्छा यही पेन 10 रुपये की फ्यूचर में मिलेगी, आज भी 10 रुपये की मिल रही है, तो फिर एक हिसाब से ये नलीफाई हो जाएगा, पर पैसे के केस में ये नुकसानदायक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ की कीमत बढ़ती है, ये तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल था, ठीक है।
अब ये फॉर्मूला होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो का, सी एफ वन अपॉन वन प्लस आर की पावर वन, सी एफ टू अपॉन ये प्लस डॉट 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 एन तक जाता है, ठीक है। सी एफ वन होता है कैश फ्लो फॉर वन ईयर, ईयर वन कैश फ्लो फॉर ईयर टू, आर होता है डिस्काउंट रेट, और ये मैंने आपको बता दिया। डिस्काउंटिंग इज अपोजिट ऑफ कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग जो होता है वो कंपाउंडिंग का अपोजिट होता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इस टॉपिक को करने से पहले थोड़ा सा शांति से लंबी सांस ले लो, ओके। सो देखो, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एनपीवी क्या होता है कि जो कैश इनफ्लो है और जो कैश आउटफ्लो है प्रेजेंट वैल्यू में, उनके डिफरेंस को ही हम एनपीवी कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, थोड़ा बेहतर तरीके समझ में आएगा। थिंग्स रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एनपीवी, ये चीज़ें हैं। देखो, एक जैसे एक प्रोजेक्ट है, हम लोग कर रहे हैं, एक कंपनी वो एक प्रोजेक्ट कर रही है, प्रोजेक्ट का नाम है एबीसी। तो वो जब प्रोजेक्ट को कर रही है तो उसको कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा, दैट इज ओनली नोन एज एनपीवी। मतलब जो उस प्रोजेक्ट में आज वो इन्वेस्ट करने जा रही है, क्या उस प्रोजेक्ट की कीमत आगे चल के निकल के आएगी सही से या नहीं, दैट इज़ ओनली नेट प्रेजेंट वैल्यू। कैश आउटफ्लो टुडे चाहिए आपको, नेट कैश फ्लो इन फ्यूचर चाहिए। टर्मिनल कैश फ्लो चाहिए, टर्मिनल कैश फ्लो होता है जब आप किसी चीज़ को बेच दो, ठीक है। डिस्काउंट रेट होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%। अब देखो, बढ़िया एग्जाम्पल समझाता हूँ। एग्जाम्पल है मेरे पास एक गाड़ी का। हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो एक गाड़ी है हमारे पास, उसको हम लोग जो है खरीदते हैं। सबसे पहले सोचते हैं एक गाड़ी खरीदा जाए, 10 लाख रुपए की हमने एक गाड़ी खरीदी, जो भी समझ लो, है ना। तो ये 10 लाख की हमारी गाड़ी है, हमें इसने सोचा इसको 5 साल के लिए रेंटिंग बिजनेस पे दे देते हैं और 5वें साल में इसको बेच देंगे। तो देखो, 5 साल के लिए हमने ये जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ये हमारे जो हो गए, इनको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन कैश फ्लो। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो बोल रहे थे ना, क्या होता है? तो टर्मिनल कैश फ्लो होता है कि 5वें साल में हमने गाड़ी ही बेच दी, 10 लाख में खरीदी थी, 4 लाख में हमने बेच दी गाड़ी, तो ये हो गया हमारा टर्मिनल कैश फ्लो। इफ़ सेल ऑफ, अगर हम इसी चीज़ को बेच दें एक्स ईयर्स के बाद, मतलब 5 साल के बाद बेचा है जैसे, तो वही चीज़ आपका कहलाता है। अब देखो, हमने क्या कहा कि हमें इस रूट पे ही गाड़ी चलानी है, मगर हमारी कंडीशन के हमें डिस्काउंट रेट 12% चाहिए। डिस्काउंट रेट क्या हो गया? एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, कितना हम रिटर्न चाहते हैं। 12% का अगर रिटर्न है तो हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, नहीं है तो हम ये प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। तो भैया 12% का रिटर्न मिल गया हमें, भाई हम लोगों ने 10 लाख की गाड़ी खरीदी, माइनस 10 लाख हो गया, अभी तो अपने अकाउंट से गया। फिर अगले साल आया 1.5 लाख रुपये, पहले साल जब चली गाड़ी तो 1.5 लाख रुपये हमारे अकाउंट में आया। अच्छा, तो 1.5 लाख क्या 12% है? जी बिल्कुल 12% है। फिर अगले साल आया 2 लाख रुपये, तो क्या 12% है? जी बिल्कुल 2 लाख रुपये 12%। फिर आया 3 लाख रुपये, 12% बिल्कुल है। फिर 2.5 लाख आया, 12% बिल्कुल है। अब भाई गाड़ी जब खराब होने लगती है तो थोड़ा थोड़ा कम चलने लगती है। फिर 5वें साल में 2 लाख आया, क्या ये 12% है? बिल्कुल 12% है। 5वें साल में हमने उठाया और गाड़ी का पुर्जा वर्जा सही किया, रिंच विंच रखा, फ़ोन किया, भैया कास्ट 24 अमित जैन बात कर रहे हो, आ जाओ गाड़ी ले जाओ हमारी, ठीक है। तो वो आए, हमने उनको दिया, हमने कहा 4 लाख लेंगे, 4 लाख से कम में नहीं जाएगी। अब देखो, 10 लाख रुपये लगाए, 15, 3.5, 6.5, 7, 9, 11, 15, तो हमने लगाया 10 लाख रुपये, हमें आया 15 लाख रुपये। मतलब भैया बल्ले बल्ले अपनी, नहीं, आपको ये देखना क्या 10 लाख रुपये 5 साल बाद 15 लाख ही उसकी कीमत होगी। अगर हाँ तो इट्स ओके, अगर नहीं तो आप लॉस में हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे काम बनता है हमारा। देखो, अब अगर आपको एनपीवी निकालना है, लेट मी टेल यू, एनपीवी निकालना है तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एफ बी अपॉन में 1 प्लस आर की पावर एन, समझे ना। एफ बी क्या होता है? फ्यूचर वैल्यूज। भाई हमने 10 लाख रुपये आज इन्वेस्ट किया, हमको 1 साल बाद 1.5 लाख रुपये मिलेगा, तो 1.5 लाख रखा, 1 रखा प्लस आर, आर कितना है? 12%। तो 12/100 करोगे तो कितना आएगा? 0.12। तो हमने इसको क्या किया? 1 प्लस 0.12, ठीक है। तो ये हमारा 1.12 हो गया। अब ये तो नीचे कॉमन है, ओके, ये कीमत है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 6 लाख कैसे हुआ? 4 और 2 को हमने जोड़ दिया, टर्मिनल भी जुड़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पावर क्यों अप हो रही है? यहाँ तो जैसे 0 है, यहाँ पे मतलब 1 है, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, ये फॉर्मूला होता है एन। जितने साल पुरानी गाड़ी उतनी पावर लग जाएगी, ठीक है।
अब हमने एफ बी वन प्लस आर एन लगाया पहले का। देखो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, तो प्लीज़ इसको एक बार सॉल्व कर लेना, पर ये आंसर सही आ रहा है, मतलब कि जो समझाना चाहता हूँ वो सही है। ठीक है, हमने ये निकाला तो मान लेते हैं इतना आया, 1,33,929 आया। अच्छा, तो 1.5 लाख की वैल्यू आज अगर हम लोग देखें तो इतनी है, फिर 2 लाख की वैल्यू इतनी आई, फिर 3 की इतनी आई, फिर फाइनल ईयर और इतनी आई। ठीक है, ये फाइनल ईयर की 3,04,004। अब हम देखते हैं कि 10 लाख रुपये जो है आज जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी एक्चुअल में कीमत 10,06,237 रुपये है। तो अगर आप ये माइनस करोगे, ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, तो देखोगे तो 6,237 पॉजिटिव आ रहा है। इसलिए NPV अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हमें प्रोजेक्ट को करना चाहिए, निगेटिव आ रहा है तो रिजेक्ट कर देना चाहिए, और अगर ज़ीरो आ रहा है तो कन्फ्यूजन उस जगह पर क्रिएट होता है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, रिकग्नाइजेस टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सेकंड पॉइंट, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि ये प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नो सेट गाइडलाइंस टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कोई सेट गाइडलाइंस नहीं होती है। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, ये तो तब भी ठीक है जब आप IRR पढ़ोगे ना, तब और दिमाग ख़राब होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खासतौर से ये पॉइंट बहुत ज़्यादा लागू होता है। फिर कांट बी यूज टू कंपेयर प्रोजेक्ट ऑफ डिफरेंट साइजेस, तो अलग अलग साइजेस के प्रोजेक्ट को कंपेयर करने के लिए कभी नहीं यूज किया जा सकता। हिडन कॉस्ट भी होती हैं, जैसे कि जो वैल्यूज दे दी गई हैं, 1.5 लाख रुपए ही थोड़ी ना आएगा, लगेगा भी तो कुछ ना कुछ, मान लो 10-20 हज़ार रुपये लग गया तो 1,40,000 हो गया, नहीं 1,30,000 हो गया, समझे? तो ये फॉर्मूला होता है, ऐसे निकाला जाता है, इनको ऐसे निकाल करके सब ऐड कर दोगे, 10 लाख जो है आपका माइनस में रहेगा हमेशा, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है, ये आपको मिल रहा है, आपके अकाउंट में आएगा, ये आपके अकाउंट से गया है। अब इन दोनों को जब जोड़ लोगे, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो प्रोजेक्ट अच्छा है, अगर निगेटिव वैल्यू आती है, मान लो यही जो 10 लाख है, अगर इसी की वैल्यू मान लेते हैं 9,900 आई, ठीक है, 9,90,000 आई, तो ये प्रोजेक्ट नहीं करने लायक है। अब मान लो 10 लाख रुपये आज किया, 10 लाख पाँचवें साल में भी मिला ओवरऑल मिला जुला के, तो क्या ये सही है? सोचना पड़ेगा इस पर, ठीक है, क्योंकि अब हमारा पैसा हो सकता है बढ़ जाए। सो ये चीज़ें हो गई। अब देख लो, ये 3 पॉइंट मैंने लिखे हैं, इनको समझ लो कि NPV अगर पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, NPV अगर ज़ीरो है तो कन्फ्यूजन रहता है, एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। गोल्ड के केस में ज़ीरो भी चलता है, जैसे कि अगर ये पॉजिटिव तो बढ़िया है, ज़ीरो है तो भी बढ़िया है। फिर नेगेटिव क्या है, प्रोजेक्ट मतलब आपका रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, समझ गए? तो चलो IRR पे आ जाते हैं। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने ही आने हैं, तो समझ लो NPV भाई देखो इतना भी कर दोगे ना यहाँ तक, ये NPV तो आप पूरा समझ ही गए होगे, मुझे नहीं लगता कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो पूछो। IRR में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है, चलो वो भी दूर करते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं IRR को। अब एग्जांपल से समझते हैं, एक कंपनी है वो एक प्रोजेक्ट XYZ में 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करती है, ठीक है, अब वो एनुअल रिटर्न जो चाहती है, वो ये बोल रहे कि हमें 12% का एनुअल रिटर्न चाहिए, हमें 15% 25% का एनुअल रिटर्न चाहिए, उसी को हम लोग IRR कहते हैं, परसेंट ऑफ रिटर्न, ठीक है, दैट इज ओनली IRR। तो अ मेट्रिक टू एस्टिमेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, तो ये एक मेट्रिक है जिससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि क्या यह प्रोजेक्ट हमारा प्रॉफिटेबल है, होगा या नहीं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, डिस्काउंट रेट एट विच NPV ऑफ अ प्रोजेक्ट बिकम्स जीरो, तो ये ऐसा डिस्काउंट रेट है जहाँ पे NPV प्रोजेक्ट का जीरो हो जाता है, ठीक है। NPV जीरो कैसे हो जाता है, जब भी आप ये निकालोगे तो उसमें जो NPV रहेगा उसकी वैल्यू जीरो रखोगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट, तो बस ये लाइन याद कर लो डेफिनेशन के लिए, एनुअलाइज रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल है हमने फिर वही सेम गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपए में, तो हमारे पास यहाँ पे पूरे 6 ईयर मतलब 5 साल हुए, 0 ईयर भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। 10 लाख रुपए की हमने गाड़ी खरीदी, एक साल में हमको 1.5 लाख आया, 2 लाख आया, तीसरे साल में 3 लाख आया, चौथे साल में 2.5 लाख, पाँचवें साल में 6 लाख क्योंकि हमने बेच दिया। टर्मिनल कैश फ्लो वही है, ऑपरेशन कैश फ्लो वही है, ठीक है। फॉर्मूला देख लो NPV का क्या है, NPV का फॉर्मूला ये होता है, आप सब लोग जानते हो, हमें इसी R की वैल्यू निकालनी है, इसी R की, R की, R की, R की, R की,
यही आर हमारा कहलाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूला दोनों के सेम है, ठीक है। बस यहाँ पे हमने आर की वैल्यू गिवन रहती थी, यहाँ पे हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो एनपीवी यहाँ पे हमने ज़ीरो रखना है, हमेशा ज़ीरो रखा। पहले साल में -10 लाख, ठीक है, अपॉन में एक जीरो की पावर जो होती है 1 + r⁻⁰ 1 होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम यही आती है ना बॉस, इसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें आप ट्रायल मेथड यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर हो आपके पास तो उस पर सीख लेना एक बार निकालने का तरीका, क्योंकि यही यहाँ इसमें कैलकुलेशन पार्ट इज़ वेरी टफ। बाकी यहाँ तक आप कर ले जाओगे। 1.5 लाख रुपये हो गया 1 + r⁻⁰ 1, 2 लाख, 1 + r⁻⁰ 2, 3 लाख, सेम। अब आप इसमें इधर उधर करके आपको आंसर लाना है। आंसर जो आएगा वो आपका परसेंटेज में आएगा, क्योंकि हमने परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो इसको ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा सॉल्व करने में। अब देखो यहाँ एक साल तक तो समझ में आता है, यहाँ पावर 2 हो रही, 3 हो रही, 4 हो रही, 5 हो रही, तो ये थोड़ा सा दिक्कत करता है, ठीक है। एडवांटेजेस देख लो, यही सेम चीज़ है, समझ गए होगे आई होप सो। नहीं समझ आया प्लीज़ कमेंट करो, जो ना समझ में, समझाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। एडवांटेजेस, कंसीडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, सिंपल टू इंटरप्रेट, सिंपल होता है, फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, तीन चीज़ें समझ गए। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज इग्नोर्ड, मतलब कि इसमें इकोनॉमीज जो होती हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि मेंटेनेंस चार्जेस हो गया, या फिर इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है, कैसे ग्रो कर रही है। फिर इम्प्रैक्टिकल इम्प्लिसिट अजम्पशन, बताया ना मैंने कि आपको यहाँ मानना पड़ेगा कि जैसे अब ये हो गया ना 10 लाख, चलो मान लेते हैं 12% का है रिटर्न मिल रहा है, तो आप इसको सॉल्व करो। अच्छा 12 का नहीं हो रहा, 13 का लेकर करते हैं, 14 का लेकर करते हैं, 15 का लेकर करते हैं, जब ये 10 लाख के बराबर आ जाए तो वह इसी को हम लोग एस्टिमेटेड मानते हैं। मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टेक्निक। तो ये आपके कुछ पॉइंट थे। तो यहाँ पे भैया आपका IRR भी ख़त्म हो जाता है। अब जो यूनिट नंबर 2 है उसको तो मैंने पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया है, अगर फिर भी कुछ रह गया हो सवाल वाल देख लेते हैं। आ जाओ सवाल आपको बता देते हैं कुछ, ठीक है। NPV मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। NPV क्या होता है, फॉर्मूला वगैरह आप मेरा वाला भी लिखोगे, इनका वाला लिखोगे, दोनों सही हैं, ठीक है। अब देखो इन्होंने कहा कि 1 लाख ईल्ड कैश फ्लोस फॉर 4 ईयर, 25,000, 40,000, 50,000, 30,000, तो हमने इसको ऐसे बना लिया, ये हमारा ये है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। पहले साल में कितना आ रहा है 25,000, तो यहाँ हमने 25 के लिखा, 40 के लिखा, 50 के लिखा, और यहाँ पे 30 के लिखा, हमने इसी फॉर्मूले में रखा। ये तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए कह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 25,000 अपॉन 1 + r⁻⁴, 40,000, इतना किया, इतना किया, इतना किया। तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ पे ये जो निकल के आया टोटल PV, ये यहाँ पे ऐसे आता है, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकल आएगा, और ये जो फैक्टर है, ये हमने ये बोला ना कि 12% का मान लेते हैं, यहाँ पे 12% का रिटर्न दे रहा है। फिर आगे देखोगे ना तो यहाँ पे ये लोग 13% भी माने हैं, 12, 13, 12, 13, उस तरीके से लोग जिन्हें एंड में ले जा करके 15.7% ले आए हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा थोड़ा ख़तरनाक मेथड होता है। चलो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अ मेडिकल क्लिनिक विशेष यूनिवर्सिटी न्यू इक्विपमेंट, इट विल जनरेट 70,000 इन रिसीट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कैश फ्लो। तो हमने क्या करना है, देखो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा आपका, आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था, FB upon 1 + r⁻⁴n, तो आपको रखना है FB upon 1 + r⁻⁴n। तो FB कितना है, फ्यूचर वैल्यू 70,000, 70,000 में रख दिया, अपॉन में 1 + r, r कितना है, r में मालूम ही नहीं है, तो हमने r को r रख लिया। n कितना है, 5 साल है, 5 साल रख लिया। अब अगर r होता हमारे पास तो हम लोग जो है प्रेजेंट वैल्यू इतना आया r⁻⁵, इफ़ r इज नॉन PV कैन बी कैलकुलेटेड। तो यही लिख करके चले आना, ज़्यादा परेशान मत होना, निकालने बैठोगे टाइम बहुत जाएगा, ठीक है, इतने पे भी सही मान लिया जाएगा, 5 नंबर पूरे दे दिए जाएंगे, ठीक है। अगले में आ जाओ, अ प्रोजेक्ट फॉर विच इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 3 लाख एंड फ्यूचर कैश फ्लो आर 60, इतना इतना एंड इतना फॉर नेक्स्ट 4 ईयर, व्हाट इज NPV। अगेन इन्होंने आर नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है और छोड़ देना है। जैसे फॉर्मूला क्या हमारा ये है, तो फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, देखो फॉर फर्स्ट ईयर FB upon 1 + r⁻⁴1, इसी तरह 2, इसी तरह 3, इसी तरह 4, NPV में सबको ऐसे दिखा देना ऐड करके, इफ आर इज नोन NPV कैन बी कैलकुलेटेड। आर निकालने मत बैठना, निकाल सकते हो पर निकालने मत बैठना, कोशिश करना इतने छोड़ देना। कितने नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये आपका 10 नंबर का है, 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आर निकालने जाओगे बहुत टाइम लगेगा।
अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। इस पे आ जाओ, एन इन्वेस्टमेंट हैज़ एन इनिशियल कॉस्ट ऑफ 2.5 लाख, द कैश फ्लो ऑफ द इन्वेस्ट फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स इतना 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 इतना। अब इसमें आर दे दिए हैं तो हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। अब ये 4 साल का दिया है तो हमने क्या किया, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, FB/1+R^n। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले साल के लिए पहले साल में हमने रखना है 1 लाख रुपये, दूसरे में 90 हज़ार, 80 हज़ार, 70 हज़ार। तो ये देखो इसमें किया, अच्छा इसमें 1+R की वैल्यू 0.08 कैसे हुई, क्योंकि 8% है, परसेंट को जब हम करेंगे 8/100 हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 0.08। तो अब इसी को हमने 1+0.08 किया और ऊपर जो हमारा ये रहेगा, पहले में 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है, दूसरे में हमारा 90 हज़ार है, फिर 80 हज़ार, फिर 70 हज़ार, तो उसको रख दिए और फिर हमने क्या किया, इनको ऐड कर लिया 1 पॉइंट। और ये पावर याद रखना, पावर बढ़ती जाएगी जैसे जैसे साल बढ़ेगा, ठीक है। टोटल MBV हमने ऐसे निकाल लिया, उसके बाद हमने IRR के लिए सेम यही किया और IRR में इतना इतना करके आया, प्लस पुराने वाले को जोड़ लिया हमने और ये हमारा IRR की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। तो आई होप सो ख़त्म हो गया ये, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, और ये पे बैक पीरियड मेथड मैंने बहुत पहले ही समझा दिया है आपको, तो प्लीज़ इतना ही करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, यूनिट नंबर 3 की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहिए और बढ़िया से पेपर करके आइएगा, चाप दीजिएगा, जो जो समझाए ना ओवर लिख के आइएगा।